नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनरिका लेक्सी केस या इटालियन मरीन्स केस के बारे में। हाल ही में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस केस को लेकर अपनी रूलिंग दी है, अपना जजमेंट दिया है। तो क्या रूलिंग कहती है, भारत की इसमें हार हुई है, जीत हुई है, एग्जैक्टली क्या डिसीजन दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये पूरा इंसिडेंट क्या था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जानने से पहले स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अगर वो जनरल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज को जरूर चेकआउट कीजिए। आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं यूजिंग ओनली योर मोबाइल फोन एंड द स्टडी आईक्यू ऐप। तो जल्द से जल्द हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस यूपीएससी स्मार्ट कोर्स के फीचर्स को अवेल कीजिए। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है 10 जुलाई तक। ये केस सेंटर्ड है इटली की नेवी के दो ऑफिसर्स के इर्द गिर्द। ये हैं वो दो इटालियन मरीन ऑफिसर। लेकिन जब ये घटना हुई तब ये इटली के किसी नेवल जहाज पर यानी कि सरकारी सैन्य जहाज पर तैनात नहीं थे। ये एक प्राइवेट वेसल की सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। इस जहाज का नाम है एनरिका लेक्सी। अब इसका नाम बदल दिया गया है, उस वक्त ये एनरिका लेक्सी नाम से चलता था। एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर है। तो ये जहाज निकला था 2012 की फरवरी में सिंगापुर से और ये अपनी यात्रा करते हुए ट्रैवल करना चाहता था इजिप्ट तक यहां पर। लेकिन जब ये जहाज भारत के तट के नजदीक था, यहां पर कोची से कुछ दूरी पर, तो एक इंडियन फिशिंग बोट इस जहाज के नजदीक आ जाती है। उस बोट का नाम था सेंट एंथनी और इस बोट पर जो मछुआरे थे उन पर एनरिका लेक्सी के नेवल ऑफिसर्स ने गोलियां चला दी और उसके कारण दो मछुआरों की डेथ हो जाती है। ये घटना हुई थी 15 फरवरी 2012 को और ये इटालियन मरीन्स वेसल प्रोटेक्शन डिटैचमेंट के तहत काम कर रहे थे। यानी कि ये इटली की नेवल ऑफिसर्स थे लेकिन प्राइवेट वेसल में सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। ये घटना कहां पर घटित हुई थी, भारत के तट से 20.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। और ये डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन क्लॉस यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी कुछ स्पेसिफिक बातें कहता है दूरी को लेकर। मान लो कि ये भारत का तट है तो यहां से 12 नॉटिकल माइल की दूरी जो कि लगभग 22 किलोमीटर होता है यहां तक भारत का टेरिटोरियल वाटर होता है। यानी कि ये प्रॉपर भारत की टेरिटरी है, इसमें आप कोई जुर्म करेंगे तो भारत का कानून लागू होगा। फिर ये होता है कंटिग्यूअस जोन, तो ये कंटिग्यूअस जोन होता है अगला 12 नॉटिकल माइल यानी कि नेक्स्ट 22 किलोमीटर। तो ये जो घटना हुई थी ना वो इस कंटिग्यूअस जोन में हुई थी क्योंकि ये 20.5 नॉटिकल माइल्स पे हुई है और कंटिग्यूअस जोन कहां तक होता है 24 नॉटिकल माइल तक। तो ये घटना एनरिका लेक्सी इंसिडेंट होता है भारत के कंटिग्यूअस जोन में, याद रखेगा। और जैसे ये घटना होती है उसके कुछ ही घंटे बाद हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी को इत्तला करी गई। एनरिका लेक्सी जहाज आगे बढ़ चुका था लेकिन इसे हमारी नेवी ने इंटरसेप्ट किया और कोची हार्बर तक इसे लेकर आए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंटिग्यूअस जोन में कोई भी देश का अधिकार किस क्षेत्र तक सीमित है। तो चार एरियाज हैं जहां पर यूएन क्लॉस कहता है कि उस देश का कानून लागू होगा, कस्टम्स, टैक्सेशन, इमिग्रेशन और पॉल्यूशन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्राइम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन यह जरूर कहा गया है कि कंटिग्यूअस जोन एक हॉट परस्यूट एरिया है। हॉट परस्यूट का क्या मतलब है, मान लो कि किसी बोट पे दो बंदूकधारी लोग टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर किसी पर गोली चलाते हैं और अपनी बोट को भगा ले जाते हैं कंटिग्यूअस जोन तक। तो हमारी कोस्ट गार्ड या फिर जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो इनका पीछा करते हुए इन हॉट परस्यूट कंटिग्यूअस जोन तक जाए और इन्हें अरेस्ट करे और अगर जरूरत पड़ी तो सेल्फ डिफेंस में गोली भी चलाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर हॉट परस्यूट का मतलब होता है कि आप इस एरिया से किसी का पीछा करते हुए यहां तक चले गए। तो ये अधिकार है लेकिन डायरेक्टली क्रिमिनल लॉ यहां पर लागू होगा या नहीं इसके बारे में यूएन क्लॉस कुछ नहीं कहता है। भारत की नेवी और कोस्ट गार्ड ने जहाज को किनारे लाया और उस पर ये जो अधिकारी थे जिन्होंने गोली चलाई थी इनको डीबोर्ड कर दिया गया और इन्हें डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब है कि इन्हें हिरासत में ले लिया गया लेकिन इनके खिलाफ अभी कोई चार्जेस प्रेस नहीं किए गए थे। तुरंत इन ऑफिसर्स ने सबसे पहली बात यही कही कि हमें लगा हम इंटरनेशनल वाटर में हैं और ये जो बोट आ रही थी हमें लगा था कि ये पायरेट्स हैं। उस समय पायरेसी काफी होती थी स्पेशली एट द कोस्ट ऑफ सोमालिया, तो इन्हें लगा कि ये भी कोई पायरेसी का अटेम्प्ट है तो इन्होंने तुरंत गोली चला दी इस पर। और उस समय ये पूरा इलाका हाई रिस्क जोन कैटेगराइज था। अब इसके बारे में यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन भी पूछा था। ये क्वेश्चन था, इन 2012 द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग ऑफ द हाई रिस्क एरियाज फॉर पायरेसी वाज मूव्ड फ्रॉम 65 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री ईस्ट इन द अरेबियन सी बाय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इंपैक्ट डज दिस हैव ऑन इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न। ये क्वेश्चन उस समय कई लोगों को बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू लगा था लेकिन ये इसी इटालियन मरीन्स केस के कारण पूछा गया था। क्योंकि आप देखिए
ये वाला है 78 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आई एम सॉरी, और यहां कहीं होगा 65। अब आपको इसका अंदाजा कैसे लगाना था कि जो हमारा टाइम वाला लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 और वो यहां से गुजरता है, इतना सा आइडिया आपको होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसमें हिंट लगा सकते थे कि क्या ये रीजन था। तो कुल मिलाकर भारत का जो पूरा पश्चिमी तट है वो पायरेसी के हाई रिस्क एरिया में डाल दिया गया था। तो इन मरीन्स ने भी उस समय यही कहा था कि हमें लगा कि हम पर अटैक हो रहा है और इसीलिए हमने गोली चला दी। एक और बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल वाटर्स में अगर कोई क्राइम होता है तो वो जहाज जहां पर रजिस्टर्ड है या फिर जो भी नेशनैलिटी है उन लोगों की, वहां का कानून लागू होगा। तो जैसे ये जहाज अगर इटली का है, इटली की कंपनी थी, तो इटली का कानून इन लोगों पर लागू होगा अगर ये गोली चला देते हैं या फिर मान लो जहाज पर ही किसी की हत्या हो जाती है। तो ये रूल होता है, ये नियम होता है। तो इटली और भारत के बीच में भी इसी बात को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट हुई उस समय। भारत ने जब डिटेन कर लिया इन दोनों ऑफिसर्स को, तो इटली ने कहा कि आपका कोई अधिकार नहीं है, इनको इटली के सुपुर्द किया जाए, हम अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियन था कि आखिर लीगल ज्यूरिसडिक्शन किसका है, किसके पास अथॉरिटी है इन दोनों के ऊपर आरोप लगाने की या फिर इनके खिलाफ केस चलाने की। तो शुरुआत में तो भारत ने इनको डिटेन करके रखा कई एक साल डेढ़ साल के लिए और इनके खिलाफ कोई ऑफिशियल चार्जेस प्रेस नहीं किए गए। कई महीनों तक भारत में डिटेन रहने के बाद इन दोनों ने सरकार से दरखास्त करी, कोर्ट से दरखास्त करी टू बी प्रिसाइज, कि हमें क्रिसमस के लिए कम से कम घर भेजा जाए, हम अपने परिवार के साथ जाकर त्यौहार मनाना चाहते हैं। और सरकार ने इन्हें परमिशन दे दी, कोर्ट्स ने परमिशन दे दी। लेकिन जब ये इटली पहुंचे तो इटली की सरकार ने ये कहा कि अब हम इन्हें वापस भारत नहीं भेजने वाले। ये बात है 2013 की। इटली की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक शर्त पे इनको वापस भेजेंगे, अगर आप इन पर से आईपीसी 302 की धारा का जो मुकदमा है वो भारत सरकार वापस ले लेती है। क्यों? क्योंकि भारत में हत्या का मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होता है? मृत्युदंड। तो इनको फांसी हो सकती थी और इटली और ज्यादातर यूरोपियन देशों में कोई फांसी का प्रावधान नहीं होता है। तो इटली ने कहा कि हम अपने नागरिक को फांसी की सजा मिलने के लिए भारत नहीं भेजने वाले हैं, तो आप ये अगर प्रॉमिस कर दो कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा आप हटा दोगे, दूसरी धाराएं भली रहने दो, तो हम इन्हें वापस भेज दें। भारत ने ऐसा कोई प्रॉमिस करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली जब बहुत दबाव बनाया गया इटली के ऊपर, तो इटली के प्रधानमंत्री ने उस समय इन दोनों को वापस भेज दिया था और बस ये कहा गया कि इन्हें जेल में नहीं रखेंगे, इन्हें इटालियन एम्बेसी में रखा जाएगा। तो ये दोनों इटली की एम्बेसी में, दूतावास में, दिल्ली में रहते थे, वहीं पर नौकरी करने लगे, काम करने लगे। 2014 में जाकर इनके खिलाफ ऑफिशियली चार्जेस फ्रेम किए गए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, और पहले इनके ऊपर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था कि इन्होंने मर्डर किया है, बाद में उसे मर्डर से थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया था कि हिंसा हुई या सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। उसके बाद 2014 में ही इनमें से एक मरीन को हार्ट अटैक आया तो उसे इलाज के लिए इटली भेज दिया गया, दूसरा भारत में रहा। जनवरी 2015 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया इटली के कहने पर, जिसमें यह कहा गया कि इन दोनों के मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि 2014 तक तो इन पर कोई ऑफिशियल चार्जेस भी नहीं थे और उसके बिना इन्हें भारत ने अपने यहां पर डिटेन कर रखा था। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने जब ये रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद इटली गया एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के पास। इस पूरे मामले में यूएन क्लॉज की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह घटना हुई थी समुद्र पर और जो भी समुद्र पर घटनाएं होती है उसके ऊपर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो फॉलो करी जाती है, वो है यूएन क्लॉस। 1982 में ये साइन करी गई थी और लगभग सभी देश दुनिया के इसके सदस्य हैं, भारत और इटली भी इसके मेंबर हैं, दोनों ने इस ट्रीटी पर साइन किया हुआ है। तो यूएन क्लॉस कहता है कि अगर किसी मेंबर स्टेट्स में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो चार तरीके से उसे सुलझाया जा सकता है। पहला, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया यूएन क्लॉस के तहत। ये कहां पर स्थित है? हैम्बर्ग जर्मनी में। दूसरा, आईसीजे जा सकते हैं आप, हाग में। तीसरा, एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एनेक्स 7 ऑफ यूएन क्लॉस, और ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कौन सा है? पीसी है, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। और चौथा है कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिया जाए पर्टिकुलरली उस विवाद के लिए। तो इटली ने यहां पर दो रास्तों को अपनाया। पहले तो इटली गया इस ट्राइब्यूनल में 2015 में, यहां पर जब इनके फेवर में फैसला नहीं आया तो इटली चला गया इस तीसरे वाले ट्राइब्यूनल में, और ये कौन सा है? ये वही पीसीए है, और यहां से अभी फैसला आया और ये फाइनल अथॉरिटी है। तो सबसे पहले इटली पहुंचा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज, यहां पर इन्होंने कहा कि इन मरीन्स को भारत में नहीं रखा जाए, फिर से इटली भेज दिया जाए, हम इनके खिलाफ मुकदमा चला लेंगे, भारत इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना करे। लेकिन आईटीएलओस ने तो मामले को और ज्यादा फंसा दिया, बिल्कुल डिप्लोमेटिक सा फैसला दिया। आईटीएलओस ने कहा कि इटली और इंडिया दोनों अपनी तरफ से कोई और नई कोर्ट की कार्रवाई शुरू ना करें, कोई नया केस ना दायर करें इस मामले में, और इस तरह का कोई डिसीजन ना लें जिससे यह मामला और ज्यादा बढ़ जाए, which might aggravate or extend the dispute। पर भाई साहब सॉल्यूशन क्या था ये तो बताओ, ये आईटीएलओस ने नहीं बताया। तो इटली ने अल्टीमेटली दरवाजा खटखटाया किसका? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, पीसीए। ये वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है जो यूएन क्लॉज के एनेक्स 7 के तहत जजमेंट या फिर रूलिंग दे सकता है।
अब एक बात बहुत ही स्पष्ट रखना अपने दिमाग में कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थित है हाग में, लेकिन ये आईसीजे से पूरी तरह से अलग है। ना ही ये यूएन की बॉडी है, ना ही ये एक कोर्ट है। इट इज जस्ट अ ट्रिब्यूनल। ये दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक बॉडी है जहां पर दोनों ने एग्री किया है कि हम जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे। तो एक तो ये यूएन की बॉडी नहीं है, केवल वहां पर ऑब्जर्वर है, और ना ही ये आईसीजे का कोई हिस्सा है। तो आईसीजे और पीसीए दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, दोनों हाग में स्थित हैं, लेकिन दोनों अलग अलग संधियों के कारण स्थापित किए गए थे और दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पीसीए की स्थापना करी गई थी 1899 में, वहां पर एक हाग कन्वेंशन हुआ था और कई देश शामिल हुए, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि यहां पर एक इस तरह का ट्राइब्यूनल बना देते हैं, और धीरे धीरे इससे बहुत सारे देश जुड़ते गए। आज इसमें 122 देश शामिल हैं जो इस पीसीए को, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मानते हैं। और याद रखिएगा, पीसीए में ऐसा नहीं है कि केवल मैरिटाइम विवाद जा सकते हैं, दूसरे विवाद भी जाते हैं, बहुत सारे विवाद पहुंचते हैं वहां पर। लेकिन ये पर्टिकुलर विवाद वहां पर क्यों पहुंचा, क्योंकि यूएन क्लॉस में जो एनेक्स 7 है उसके तहत ये कहा गया है कि पीसीए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का काम कर सकता है। ओके, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़ा सुलझाने का काम करता है दो देशों के बीच में, या कोई भी दो पार्टीज हो सकती हैं, और ये यूएन क्लॉस के तहत मान्य है। तो इटली यहां पर अपनी दरखास्त लेकर पहुंचा 2015 में, और 2020 में जाकर यहां पर फैसला आया है। टू बी स्पेसिफिक, 21 मई को फैसला आ गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसके बारे में देश को या मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी पब्लिकली। और ये जानकारी अभी हमें जून में मालूम चली, जून के एंड में, क्योंकि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वेबसाइट पर जब ये जजमेंट डाला गया, वहां से लोगों को मालूम चला कि अच्छा, इस केस का फैसला आ चुका है। तो यहां पर ये मामला कहलाया इंडिया वर्सेस इटली, और यहां पर 5 मेंबर ट्राइब्यूनल था। रशिया, जमाइका और साउथ कोरिया से एक एक जज थे, और एक जज भारत से और एक जज इटली से। यहां पर 4-1 रूलिंग दी गई है, यानी कि मेजोरिटी रूलिंग थी। और इस रूलिंग में क्या कहा गया है, देखिए, इसके दो आयाम है। पहला आयाम ये कि भारत के लिए यहां पर अल्टीमेटली लॉस ही हुआ है, क्योंकि पीसीए ने यह कह दिया कि इस केस में क्रिमिनल केस चलाने का अधिकार भारत के पास नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द इटालियन मरीन्स। ये कहा गया है पीसीए ने कि इन दोनों को इम्यूनिटी मिलेगी, फंक्शनल इम्यूनिटी, क्योंकि ये दोनों इटली की सरकार की तरफ से सिक्योरिटी कर रहे थे उस जहाज की, और उसी में उन्होंने ये गोली चलाई है। और क्योंकि ये कंटिग्यूअस जोन में था, ना कि भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में, तो इसीलिए ये इटली की सरकार के बेसिस पे काम कर रहे थे, इटली की सरकार की तरफ से काम कर रहे थे, इसीलिए इनके खिलाफ मामला इटली में चलाया जाए। द प्रोसेस विल कंटिन्यू इन इटली। तो ऐसा नहीं है कि इनको जेल जाने से बच गए हैं, इटली में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो वहां पर भी ये जेल जाएंगे, लेकिन भारत में इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि भारत के पास वहां पर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ऐसा पीसीए ने कहा है। तो कुल मिलाकर भारत में जो भी इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, चाहे वो केरल हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में, उन सभी को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। इंडिया इज रिक्वायर्ड टू सीज दोस केसेस। लेकिन इस रूलिंग में कुछ और बातें भी कही गई है जो भारत के फेवर में है। तो दो मेन बातें हैं। पहला, इटली के मरीन्स ने जब गोलियां चलाई भारत के मछुआरों पर, तो वो भारत की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खिलाफ था, एंड इट इज अगेंस्ट यूएन क्लॉस आर्टिकल 87(1)A एंड आर्टिकल 90। लेकिन अब इटली के पास ये पावर है कि वो इस जुर्म की सजा देगा। दूसरी बात ये कही गई कि जिन दो मछुआरों की जान गई और जो भी उनकी बोट को नुकसान हुआ, उसके लिए इटली को कंपेंसेशन देना होगा। इटली हैज टू कॉम्पेंसेट फॉर लॉस ऑफ लाइफ, फिजिकल हार्म, मटीरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द बोट, एंड मॉरल हार्म सफर्ड बाय कैप्टन एंड अदर क्रू मेंबर्स। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मॉरल हार्म को कैसे कोई कंपेंसेट कर सकता है। खैर, ये जजेस जाने, उनकी नॉलेज है। हु एम आई टू कमेंट ऑन दिस। कुल मिलाकर इटली की सरकार को एक कंपेंसेशन देना होगा, भारत की सरकार को, जो उन मछुआरों तक या जिनको भी नुकसान हुआ उन तक ये कॉम्पेंसेशन पहुंचाएगी। तो अगर मोटे तौर पर मैं कहूं तो डेफिनेटली भारत को यहां पर लॉस हुआ है, क्योंकि हम इन इटालियन मरीन्स को भारत में अब सजा नहीं दिलवा पाएंगे। और पता नहीं क्यों, लेकिन भारत सरकार ने 1 महीने तक इसके बारे में पब्लिकली कोई जानकारी नहीं दी। ये जजमेंट जब डायरेक्टली पीसीए की वेबसाइट पर अपलोड हुआ, तभी इसके बारे में जानकारी हमें मिली है। और अब भारत सरकार ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है 2 दिन पहले कि हम पीसीए के जजमेंट को मानेंगे और इनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। वो ऑलरेडी वैसे बेल पे चल रहे हैं। जो दूसरा मरीन था उसको भी 2015 में घर भेज दिया गया था, तो वैसे भी अब वो भारत में है नहीं, लेकिन अब भारत में उनके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं करी जाएगी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो ये रूलिंग दी है, इसका भारत पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप समझिए, अगर भारत में भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो अगेन इसी पीसीए अवार्ड को बेसिस बनाकर कोई भी छूट सकता है। मान लो कि कल को भारत से 30 किलोमीटर दूर, यानी कि हमारे कंटिग्यूअस जोन में, फिर से कोई गोली चला देता है, तो ये कितना डेंजरस है। जो हमारे मछुआरे हमारे इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ने जाते हैं, उनके पास तो कोई हथियार नहीं है,
तो वो अगर 40 किलोमीटर दूर है हमारे तट से और उन पर रैंडमली कोई बड़ा जहाज गोली चला देता है तो ये कितना खतरनाक है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो लेकिन अब ये पीसी अवार्ड भारत खुद गया था वहां पर, तो हमें मानना पड़ेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहां पर यह है कि भारत सरकार को यूएन क्लॉस में एक अमेंडमेंट लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लाना होगा ताकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो और कंटिग्यूअस जोन के ऊपर जो ये क्रिमिनल लॉ है ये हमारे ही देश का लागू हो। देखते हैं क्या होता है आने वाले महीनों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।